बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामनेक्राम SEO समिट जो के इस वक्त समरकंद में मुनक्कद हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना और भारत समेत कई मुल्कों ने शिरकत की है। उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान से मुलाकातों को काफी पजीराई हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में मिल रही है। ये बात याद रखने की है कि हम जितने बड़े क्रिटिक किसी भी सियासी जमात के क्यों ना हो, जब हमारा कोई भी लीडर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के साथ किसी दूसरे मुल्क जाता है तो वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि मुल्क का लीडर होता है, क्योंकि वो वहाँ पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, इमरान खान हो जो PTI के हैं, या फिर पीपल्स पार्टी के किसी लीडर ने दूसरे मुल्क का दौरा करना हो। अफसोसनाक बात यह है कि भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने एक पिक्चर के साथ एक ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ताबड़तोड़ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें, जबकि नरेंद्र मोदी स्क्रीन में कहीं भी नजर नहीं आ रहे, जिस पर भारतीयों को तो काफी तकलीफ थी ही, लेकिन उसके कमेंट्स में अगर आप जाकर देखें तो हजारों की तादाद में पाकिस्तानी ऐसे थे जो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि सेंटर ऑफ अटेंशन शहबाज शरीफ नहीं, ये तो फ्रॉड है, फेक है और इस तरह की बेइंतहा बातें। हमारे इस चैनल के थ्रू हमेशा पाकिस्तान का मस्बत और खुशनुमा चेहरा ही दुनिया भर के सामने जाता है और आगे भी इसी तरह जाएगा, और हर मौके पर हम भारत को जरूर बेनकाब करते रहेंगे। लेकिन जहां बात पाकिस्तान की आएगी, चाहे कोई भी उसे रिप्रेजेंट कर रहा हो, विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, इस चैनल के थ्रू आपको मस्बत बात जरूर नजर आएगी। अब भारत में चूंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफें की जा रही हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीयों ही की जुबानी वो ताबड़तोड़ मुलाकातें भी बताएंगे कि किस तरह इन मुलाकातों ने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और उसके हुक्मरानों की चैन की नींद को हराम कर डाला है। हमारे इसी चैनल पर आपको इमरान खान के बारे में जब कोई मस्बत बात भारत में होती है वो भी दिखाया जाता है, और अब की बार शहबाज शरीफ के बारे में जब कोई मस्बत बात होगी तो वो भी जरूर दिखाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत का मीडिया या भारत के सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के बारे में क्या चलता रहा, जो कि बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए काबिले तहसीन भी है और काबिले फख्र भी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं SEO समिट उज्बेकिस्तान से। भारत के प्रधानमंत्री का तो कोई अता पता नहीं है अभी तक, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक मीटिंगें करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी उज्बेकिस्तान के अंदर लैंड भी नहीं किए थे कि पाकिस्तान के पत्रकारों ने ट्विटर पर जानकारी देना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तहलका मचा देने वाले हैं उज्बेकिस्तान के अंदर, और वाक्य में ही उन्होंने तहलका मचा दिया है। और जिस तरीके की तस्वीरें निकल रही हैं, शायद तक पाकिस्तान के लोग भी ये तस्वीरें पहली बार देख रहे हो। भारत के लोगों ने तो ये तस्वीरें पहली बार देखी है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। बेसिकली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री को कॉपी कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और उनका जोरदार स्वागत होता है, और उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री SEO समिट के अंदर जो इनकी मीटिंगें होनी है अलग अलग ऑफिशियल्स के साथ वन ऑन वन, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो मीट करते हैं तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ, और तस्वीरें आपके सामने हैं, गवाह हैं। फिर दोस्तों, उनकी मीटिंग होती है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ, और फिर उनकी मीटिंग होती है ईरान के राष्ट्रपति के साथ, और फिर उनकी मीटिंग होती है बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ, और फिर उनकी मुलाकात होती है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। दोस्तों, 5 मीटिंगें हो गई हैं और 6वीं मीटिंग होने वाली है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चाइना के राष्ट्रपति के साथ। दोस्तों, एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंगें हो रही हैं पाकिस्तान की। भले ही इस मीटिंगों का नतीजा कुछ ना निकले, लेकिन पाकिस्तान ने हैरान कर दिया है कुछ ही घंटों के अंदर 6 मीटिंगें करके। हालांकि पाकिस्तान के जो पहले के प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो चाइना के दौरे पर गए थे, आखिरी दिन चीन के राष्ट्रपति ने एक इमरान खान से मिलना जरूरी समझा था,
और बेसिकली वो जो तकरार है चाइना के राष्ट्रपति के साथ आज भी देखी जा रही है, और शहबाज शरीफ भी आखिरी में, सबसे आखिरी में चाइना के राष्ट्रपति से ही मिलने जा रहे हैं। तो बेसिकली भारत के प्रधानमंत्री भी चलने वाले हैं भारत के अंदर से, या फिर वो चल दिए होंगे, और बहुत जल्दी वो डिटेल भी निकल कर सामने आएगी। भारत के प्रधानमंत्री भी क्या इसी तरीके से ताबड़तोड़ मीटिंगें करेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और क्या शहबाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन एससीओ समिट को लेकर जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले न्यूज लेकर एनडी प्लस न्यूज की टीम आएगी, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो हैरान किया है।